हम लोग भी स्वाभिमानी व्यक्ति, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि किसी की हम भाजा के गुलामी कर सकें। हम भी स्वाभिमानी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी स्वाभिमानी थे। जब से भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगभग 3 साल हो गए आए हैं, उनके आवे के बाद उनके और उनके साथ में जो कार्यकर्ता आए, उन लोगों ने जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ दुर्व्यवहार और अनदेखी और कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करवे को काम करो। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सियासत धीरे धीरे गरमान लगी है, काय के चुनाव नजदीक हैं और यही चुनावी राजनीति के पहले इवे कछु जल्दी दल बदल भी होने लगे है और कछु पार्टियों के नेता दूसरी तरफ, दूसरे वाले दूसरी तरफ, और एक हाल में ही चर्चित शख्सियत हैं जिनने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को दामन थामे हैं, भी हमारे संग हैं। यादवेंद्र सिंह जी हमारे संग हैं और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में इनकी अपनी दावेदारी है और पिछले चुनाव जब उपचुनाव हुआ तो तब भी दावेदारी थी। और एक ऐसा परिवार है जिनको अशोकनगर और गुना दो ही जिला की राजनीति में प्रभाव है। लंबे समय से इनके पिताजी, माताजी और पूरा पारिवारिक तरीके से राजनीतिक परिवार है। यादवेंद्र सिंह जी हमारे संग स्टूडियो में। राम राम भैया। जय राम जी। भैया फूल खो छोड़ के हाथ की तरफ का है, बड़ी जल्दी चुनाव के टाइम, चुनाव के टाइम हो तो जो तो सब। देखो भाई साहब, 3 साल से लगातार हम लोग, हम और जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी एक पीड़ा में थे। जब से भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगभग 3 साल हो गए आए हैं, उनके आवे के बाद उनके और उनके साथ में जो कार्यकर्ता आए, उन लोगों ने जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ दुर्व्यवहार और अनदेखी और कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करवे को काम करो, और बड़ी पीड़ा थी सब लोगों में। और तो हम सब लोगों ने विचार करो कि भाई अब क्या करो जाए। सब ने एक ही बात करी कि साहब अब ऐसे दल में रहे वो तो अब उचित नहीं है, अब कोई सिद्धांत और वाली बात तो बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, सब बिगड़ गए तो अब क्या करो जाए। तो सबने एक सामूहिक निर्णय लाओ कि अब हम क्यों ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं कि बहुत कम टाइम के लिए कमलनाथ जी की सरकार रही, वहां में सबने देखो कि वो सरकार एक अच्छा कार्य कर रही थी और अच्छी नीतियां हैं, तो क्यों ना हम कांग्रेस पार्टी में जाएं। तो सब लोगों ने एक सामूहिक निर्णय लेके कांग्रेस पार्टी में हम लोग आए। कांग्रेस पार्टी में आप लोग आए हो, परिवार आपको लंबे समय से भाजपा में रहो, और जी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब आपके पिताजी को, आपके परिवार को लगातार उनसे विरोध रहो, सिंधिया जी से सीधी लड़ाई रही, लंबे समय संघर्ष रहो, सिंधिया जी थे लौटे आए तो परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो गई। बिल्कुल साहब, बिल्कुल परिस्थितियां उल्टी नहीं, और मेरे पिताजी ने तो अत्याचार के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी, और वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और वो उनके द्वारा हमें जो, हमने जो सीखा, हम लोग भी स्वाभिमानी व्यक्ति, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि किसी की हम भाजा के गुलामी कर सकें। हम भी स्वाभिमानी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी स्वाभिमानी थे, तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये कदम उठाया। लेकिन कही जा रही थी कि जब उपचुनाव हो, ब्रजेंद्र यादव जो है जब चुनाव लड़े दोबारा कांग्रेस की सरकार गिरवे के बाद, तब भी कांग्रेस में आपकी ज्वाइनिंग के लगातार चर्चे रहे, उस समय कछु चर्चा भय थे या का कमी रह गई थी? देखिए उस समय तो सब कार्यकर्ताओं से भी ऐसी चर्चा नहीं हो पाई थी क्या क्या करना चाहिए, सबकी अलग अलग राय थी, परंतु इस समय जो सामूहिक निर्णय हुआ है उस समय कोई सामूहिक निर्णय नहीं हो पाया था सब लोगों का। और हम लोग देखिए, हम कुछ नहीं हैं, हमारे क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी गण हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो सब सबकी ताकत से हम नेता हैं, और उनका जो निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होता है। तो इस उस समय कोई निर्णय ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया था सब लोगों का, लेकिन इस बार सब लोगों का एक निर्णय हुआ और उसके बाद हम लोगों के द्वारा एक निर्णय लिया गया। तो सूत्रधार को बने, कई लोग बड़े क्रेडिट ले रहे हैं कि हम बने सूत्रधार, हम बने सूत्रधार, सूत्रधार को बने आपकी सीधी बातचीत आपकी? देखिए सूत्रधार तो हमारे जो कार्यकर्ता है और क्षेत्र की जनता है वो है सूत्रधार,
सबकी एक ही आवाज थी कि साहब कांग्रेस में चलना है, तो वो सूत्रधार थी। बाकी सभी वरिष्ठ नेताओं से हम खुद जाके मिले, सभी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सबसे हमने खुद जाके बात करी कि साहब हम लोग आना चाह रहे हैं, और सभी ने कहा भैया स्वागत है आइए, और हम आए। चुनाव के समय जब दल बदल हो तो फिर जा कही जात के भैया टिकट सीधे थे पार्टी में, आप टिकट मिल गई। अब आप आए 7 महीना पहले, तो 7 महीना पहले से टिकट को कछु आश्वासन, कछु भरोसा, कछु वादा है? देखिए हम लोग टिकट वाला विषय बिल्कुल नहीं है, हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सब लोग आए हैं। टिकट देना ना देना वो पार्टी का विषय होता है, पार्टी का जो हाईकमान है उनका निर्णय है कि किसको देना है किसको नहीं देना, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और बाकी हम लोग आ गए हैं और इसे कोई हमने बात करी टिकट की, अब तो देखो जो काम करेगा क्षेत्र में जनता के लिए वो पार्टी अपने आप देखेगी कि भाई कौन किसको देना है किसको नहीं देना, उस चीज़ से हम निश्चिंत हैं। हम एक छोटे से कांग्रेस के एक सिपाही के रूप में आए और पार्टी के लिए काम करेंगे, बाकी पार्टी को जो निर्णय लेना है वो पार्टी का विषय है। जा भी कही जा रही कि आपके आवेश से अशोकनगर जिला के चाहे वह चंदेरी की सीट हो, मुंगावली के अलावा अशोकनगर लोकल की सीट हो, एक आध सीट गुना की, ई के भी समीकरणों में कछु लाभ मिले? बिल्कुल साहब, हम जो कार्यकर्ता लोग सब इकट्ठे होके आए हैं और वो बड़ी संख्या में तीन ही विधानसभा से इकट्ठे होके आए हैं, और वो सब कांग्रेस पार्टी को जिताबे को कार्य करेंगे। वो तीनों विधानसभा, चाहे हमारी मुंगावली हो, चाहे हमारी चंदेरी हो, चाहे हमारी अशोकनगर हो, तीनों विधानसभाओं को जिताने का कार्य हमारा जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे, और बड़ी तन मन धन मेहनत के साथ कार्य करेंगे। तीनों की तीनों सीटें जिताने का कार्य हमारे सभी भाई मिलजुल कर करेंगे। लेकिन जी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद जो पूरे उस क्षेत्र के समीकरण एकदम से बदले हैं, अचानक से वे लोग जो भाजपा के विरोध में थे वे आज जो है भाजपा के संगे हैं, जो भाजपा के संगे थे वे विरोध में हैं, तो इतना बहुत बड़ा बदलाव तो भाव आपको आपको निजी अनुभव का है, तो जो बड़े बदलाव का आप ऐसे बदलाव देखा जो पिछले 2 साल 2.5 साल 3 साल में? देखिए बदलाव तो हुआ है, ये बात सही थी, जो पहले कांग्रेस में थे वो सिंधिया जी के साथ वहाँ चले गए, और उसी के बाद कुछ हमारे लोग बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो हम लोग और हमारे सारे लोग सारी कार्यकर्ता यहाँ आ गए, तो बदलाव तो हुआ है। अब जो नाम बदल गए, टीम वो ही है, जो सिंधिया जी की टीम थी वो कांग्रेस में थी और हमारी जो टीम और साथी थे वो भाजपा में थे, नाम बदल गए, बाकी सबके स्थान वो ही हैं अपने अपने स्थान पर। और कहीं ना कहीं जो हमारी जो टीम थी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बहुत ईमानदार और मेहनती और निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, वो बड़ा मेहनत करके और वो जिताने का कार्य करते थे, पहले से भी करते हैं और आगे भी करेंगे 2023 के चुनाव में। आपके क्षेत्र में आपके परिवार के जो है मैं राज्य मंत्री को भी दर्जा भाव ई के बाद जो है नाम की सिला पट्टी का एक ही बड़ी राजनीति चला था आपके नाम? हाँ बिल्कुल, ये लोगों की छोटी मानसिकता है कि भाई किसी का नाम काट दो किसी का जोड़ दो, और बाकी राज्य मंत्री का दर्जा वाली बात कर रहे हैं तो ये कोई विषय नहीं है, विषय है हम एक व्यक्ति को कोई दर्जा और वो देने से नहीं है, हमारे सारी कार्यकर्ताओं का जो मान और सम्मान है हमें उसकी चिंता है और उसको सभी को लेकर आना चाहिए था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो नहीं कर पाई, संगठन नहीं कर पाया, और इससे बड़ा हमारे उसमें असंतोष था सभी लोगों में कार्यकर्ताओं में, और सभी लोग बड़ी घुटन महसूस कर रहे थे। नहीं तो कार्यकर्ताओं के संग आप आए तो फिर अब आपको जो परिवार है, परिवार कांग्रेस की संग रहे या भी अपने जो निजी जो उनके हैं उन पे? देखिए परिवार पूरा मेरे साथ में है, और रही बात किसी एकाध व्यक्ति की, अगर कोई एक व्यक्ति है तो भाई उसकी कोई विचारधारा है कोई कहीं जुड़ा है तो जुड़ा रहे, और मैंने पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें कहा था, किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था कि आपके भाई उसमें है, तो मैंने कहा था भाई मेरे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं 2 लाख भाई बहन है मेरे, तो सभी मेरे भाई और सभी मेरी बहन हैं। अब एक आध दो व्यक्ति दो पांच व्यक्ति अगर इधर उधर होते हैं तो क्या दिक्कत वाली बात है। तो अब आगे का तैयारी चुनाव? देखिए कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने की तैयारी है, सभी लोग जुट गए हैं, कोई भी टिकट हो किसी का भी हो वो कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता, बाकी हमें तीनों की तीनों सीटें जो हमारे जिले में है वो कांग्रेस पार्टी को जिताना है, और 2023 में हम सब लोग मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे।
तो यादवेंद्र सिंह जी को क्या वो है कि जो तीन ही सीटें हैं अशोकनगर जिला की, चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर, इनमें कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दिलाने पर काम करें और उनकी अपनी टीम न केवल मुंगावली विधानसभा में बल्कि जिले की बाकी सीटों पर भी प्रभाव रखत है और कांग्रेस को मजबूती दे। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।